संबंध में प्रशासन का एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चला। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। एसडीएम अभिनव गोपाल के नेतृत्व में सुबह अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया। इसमें यहाँ पर देखा गया है कि चौधरीसराय का जो चौराहा है, यहाँ पर जो मुख्य चौराहा कह सकते हैं आप संबल का, वहाँ पर काफ़ी समस्या होती है ट्रैफिक को लेकर और एक्सीडेंट होने की संभावना भी लगातार बनी रहती है। और इसका जो मुख्य कारण देखा गया था कि जो अतिक्रमण कर रखा था दुकानदारों ने स्पेशली, तो उसको ही हम लोग हटाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ रोड जो थोड़ा साफ हो सके और यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या सुलझाई जा सके। बात की जाए बुलडोजर की, कितने बुलडोजर चले हैं अतिक्रमण के दौरान? आज 2 JCBs चल रहे हैं, साथ साथ जितने भी होर्डिंग्स हैं और जितने भी इलीगल बोर्ड्स लगे हुए हैं या जो पोल्स लगे हुए हैं उनको भी हटाया जा रहा है। उसके लिए भी लगातार 2-3 ट्रैक्टर्स JCBs लगे हैं। सितारगंज में RSC के द्वारा कृषि अनाज मंडी में लगाए गए सरकारी क्रय केंद्र पर 13 दिन बीतने के बाद भी क्षेत्र के किसान अपना गेहूँ लेकर क्रय केंद्र पर नहीं पहुँच रहे हैं, जिससे क्रय केंद्र पर गेहूँ की तोल शून्य पर रुकी हुई है। और शासन की नीति अनुसार 2015 का रेट है और सभी किसानों का हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसान आए अपना गेहूँ यहाँ अपनी उपज करवाए, परंतु बाज़ार की समीक्षा करने पर ये ज्ञात हो गया है कि बाज़ार का भाव तेज होने के कारण किसान यहाँ नहीं आना चाहते। अलीगढ़ में 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने को लेकर ABBP के कार्यकर्ताओं ने एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने की मांग करने के साथ ही ABBP कार्यकर्ताओं ने मांग की थी। ऐसा है, इससे पहले प्रेम जी थे, प्रेम जी ने बहुत शानदार काम किया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की। मेरे 80 के 80 पार्षद क्या उन्हें लालच है, उनका आप टेलीफोन उठाए, उनकी समस्याएं सुने। मेयर का टेलीफोन आया, 2.5-3 महीने हो गए आमना सामना हो गया, मेरा फोन नहीं उठाते। आप MLAs का नहीं उठाते, आप MPs का नहीं उठाते। और जो पैसा हमने मंजूर कराया है उसके काम आपने रोड़े डाले, फाइलों पे सिग्नेचर नहीं किए। आज आप सिग्नेचर कर रहे हो, लेकिन अगर आप 4 महीने पहले वो कर देते तो अब तक मेरा काम हो गया होता। यूपी सरकार प्रदेश को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करने का हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं चंद तथाकथित लोग प्रदेश सरकार के मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, साथ ही पारिवारिक मसलों में पुलिस कार्रवाई कराने के नाम पर शिकायतकर्ताओं से पैसे वसूल रही है। मेरे पति ने मुझे मारा था, पीटा था मुझे, और मेरी ननती, मैं नंदोई था, तीनों जने मुझे मार पीट के और घर से निकल गए। मेरी बहन ने चीखा चिल्लाया, मोहल्ले में हल्ला मचा। कहाँ की रहने वाली हो आप? मैं बर्ची वाली। थाना कौन सा लगता है आपका? ये लगता है दोस्तपुर थाना। अच्छा, आप बता रही हैं पैसे का मामला, तो कितने रुपये लिए थे आप? 5,000 रुपये लिए थे मुझसे। किसने लिए थे? नगमा राव। अमेठी में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल चल रही हैं। जहां एक कमरे में स्वास्थ्य सेवाएं चल रही थी, वहीं जनपद में कथित डॉक्टरों के भरोसे स्वास्थ्य सेवाएं चलाई जा रही है, जहां झोला छाप डॉक्टर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अमेठी में उच्च न्यायालय में 4 दिन जमीन के मामले में तहसीलदार मुसाफिर खाना मौके पर पहुंचकर पीड़ित को मकान हटाने की धमकी दे रहा है, साथ ही डंडे मरवाने और जेल भेजने की बात कर रही है। पूरा मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पूर्व कथिन मंजरे सीधिया का। सिद्धार्थनगर जेल में तैनात डिप्टी जेलर के पति का अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है, जहां जेल में बंदे कैदी की पत्नी के साथ संबंध बनाने का आरोप है। दरअसल अपनी पत्नी की तरानी के सरकारी आवास में कैदी की पत्नी संबंध बनाने का आरोप उन पर लगा है। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में आरिफ नाम के युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने घटना के संबंध में मृतक के दोस्त तस्लीम उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक तस्लीम उर्फ छोटू ने शराब पीने के दौरान हुई विवाद के चलते आरिफ की हत्या की। 11 अप्रैल को थाना बहेड़ी के अंतर्गत सुबह एक व्यक्ति आरिफ, जिसकी उम्र 42 वर्ष थी, उसका शव जो है एक खाली प्लॉट पर मिला था। उनके जो सर है, सर पर चोटों के निशान थे और संभवतः जो वहाँ पे किसी पत्थर या इस तरह के जो वस्तु है उससे उनके सर पे प्रहार करके उनकी हत्या की गई थी। पुलिस द्वारा इसमें पोस्टमार्टम कराया गया था, उसके बाद इसमें धारा 302 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज इसमें एक व्यक्ति छोटू उर्फ तस्लीम को गिरफ्तार किया गया और इसने बताया है कि जो मृतक है वो शराब के नशे में था और ये भी नशे में था और छोटी सी बात को लेके इसमें शराब पीने को लेके झगड़ा हुआ था इनका आपस में। गाजियाबाद में चलती गाड़ी में आग लग गई। मोहननगर रोड पर साई भुवन के सामने आग लगी। जिलाधिकारी द्वारा कराए गए स्टिंग के मामले में FIR दर्ज करने के बाद 12 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अधिकारी कर्मचारी के साथ कुल 12 आरोपियों पर FIR दर्ज हुई।
जी, इसमें ये मुकदमा दर्ज किया गया है, दो मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक रजिस्ट्री ऑफिस में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके विरुद्ध दर्ज करवाया गया है तहसीलदार महोदय के द्वारा, और एक RTO कार्यालय में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ दर्ज करवाया गया है। दोनों प्रकरणों में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दोनों ही विवेचनाएँ संबंधित क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा की जा रही हैं, और इसमें आगे साक्ष्य संकलन कर जो अन्य लोग इस पूरे प्रकरण में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध आगे कार्यवाही की जा रही है। हरदोई में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया। ज्ञापन में बलिया जनपद के पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के मामले में कार्रवाई की गई। पूरे मामले में अधिकारी की भूमिका की न्यायिक जांच की मांग की गई है। साथ ही वहां के DM और SP को तब तक निलंबित रखा जाए जब तक परिणाम न आए। बलिया में नकल माफियाओं की खबर को छापने पर जो पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें जेल भेजने की कार्यवाही की गई, उनका उत्पीड़न किया गया है, उसी के उपलक्ष्य में आज ये ज्ञापन जिलाधिकारी जी को दिया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वो महामहिम राज्यपाल को जो है वो ज्ञापन हमारा भेजें, उसमें जो मांगे हम लोगों ने रखी हैं उन मांगों पर ध्यान दिया जाए और पत्रकारों का उत्पीड़न बिल्कुल बंद हो, क्योंकि पत्रकार जो है कुछ गलत नहीं लिखता, किसी के विरोध में नहीं लिखता है, जो उसको दिखता है, जो लोग बताते हैं, जो कहते हैं, उस सच्चाई को सामने रखने का प्रयास करता है। हरदोई के कासिमपुर थाने में तैनात रहे दीवानी वर्तमान समय के दारोगा पर पारिवारिक विवाद की जांच में लड़कियों कमरे पर बलात्कार के साथ रेप करने और फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर कासिमपुर थाने में उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। थाना कासिमपुर पर एक महिला द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि 2020 में मेरे एक मैटर में थाने पर नियुक्त आरक्षी द्वारा अपने घर पर मुझे बुलाया गया और मेरे साथ शादी का झांसा देकर के मेरे साथ गलत काम किया गया। इस संबंध में थाना हाजा पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। साक्ष्य एकत्र करके जो साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में डड़ियावा थाना क्षेत्र के गोपामऊ कस्बे के रहने वाले गौकशी की घटनाओं में शामिल गैंगस्टर के मामले में अनीश की 25 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। इस दौरान मौके पर डुगडुगी बजाकर ग्रामीणों को सूचित भी किया गया। ये जनपद में जो भी अपराधी गैंग बना करके अपराधी कृत्य करते हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे किए गए हैं। उनके द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उसको चिन्हीकरण करके जब्त कराने के लिए मेरे द्वारा विगत दिनों एक गैंगस्टर सेल का गठन किया गया है जनपद में। इस सेल के प्रयास से आज दिनांक 13/4 को ये थाना टड़ियावा के एक गोवध के गैंगस्टर अनीस के एक मकान जो कि 1600 वर्ग फीट में निर्मित है और एक इनोवा कार को चिन्हित किया गया। कन्नौज में चला बाबा का बुलडोजर, ग्राम समाज की जमीन पर बनी मार्केट की ध्वस्त। सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत यादव ने बनाई थी मार्केट। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के तिलपई डिमार सरा में ये मार्केट बनाई गई थी। कासगंज में बलिया प्रशासन कासगंज जिले की सिरपुरा थाना पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ यहां पर गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। इस दौरान जिलाधिकारी हर्षिता माथुर को अलग अलग दो मांग पत्र सौंपकर पत्रकार उत्पीड़न को रोकने की मांग उठाई गई। जनपद के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन कासगंज के द्वारा इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि जो अन्य जनपदों में जैसे कि बलिया में जो पत्रकारों के विरुद्ध कुछ कार्रवाई की गई है उसके संबंध में ज्ञापन हमको दिया गया है जिसको उचित माध्यम से उच्च स्तर तक पहुंचा दिया जाए। प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ हो रहे झूठे मुकदमों को लेकर आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह और बॉबी ठाकुर के नेतृत्व में यहां पर जिलाधिकारी के कार्यालय पर धरना दिया गया, जिसमें सड़पुरा थाने में हमारे निर्दोष पत्रकार साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उसको लेकर एसओ सड़पुरा को निलंबन करने की मांग की गई है और पत्रकार साथी जयचंद पर हुए मुकदमे को निरस्त कर तथा उनका मुकदमा दर्ज कराने की बात की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर जितेंद्र कुआत्रा प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी अधिकारी शासकीय विज्ञान ने बताया कि कृषि विज्ञान परिशिष्ट में 10 हेक्टेयर में गेहूं लगाया गया था जो प्रजाति HD 3286 का था। पिछले दिनों में जो लगातार बारिश हुई है उसके बाद से अचानक गर्मी पड़ी है, उसमें लगभग 15 दिनों में जो तेज गर्मी हुई है उसे गेहूं के दाने का साइज छोटा हो गया है, इसे पोस्ट मैच्योरिटी भी कहा जाता है। जो हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र में इसके प्रक्षेत्र में हमने लगभग 10 हेक्टेयर में गेहूं लगाया था जो प्रजाति है वो HD 3286 है और इस बार हमने देखा है कि जो लगातार बरसात हुई बीच में और उसके वजह से अचानक गर्मी बढ़ गई।
अब पिछले 15-20 दिन में इतनी भयानक गर्मी पड़ी है, उसकी वजह से जो दाने का साइज़ है हमारा वो छोटा हो जा रहा है। और क्योंकि ये फोस्ट मेच्योरिटी, क्योंकि अभी इसको पकना तो थोड़ा बाद में था, लेकिन एकदम से गर्मी पड़ने से ये एकदम से पकने की अवस्था में आ गई है। लक्सर में गन्ना मंत्री सौरभ गगुणा का दौरा हुआ। इस दौरान उन्होंने शुगर मिल लस्का का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सैकड़ों किसान अपनी बात रखने के लिए शुगर मिल पहुंचे, लेकिन शुगर मिल प्रशासन कुछ लोगों के कारण गन्ना मंत्री किसानों की बात नहीं सुन पाए और कुछ ही समय में निरीक्षण कर निकल गए। सरकारी शुगर मिल की स्थिति यहाँ खराब है और उसकी वजह से गन्ना किसान थोड़ा परेशान रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो है वो गन्ना किसान के पेमेंट को लेकर, जिस लक्सर की पेमेंट बहुत अच्छी है, कुछ मिलों की किच्छा की पेमेंट बहुत अच्छी चल रही है, वो भी लगभग लगभग फरवरी तक क्लियर कर चुके हैं। तो मेरा बस इतना कहना है कि अगर आप डीएपी की बात कर रहे हैं और डीएपी में कोई समस्या आ रही है, जैसे अभी कह रहे हैं कि डीएपी कल आ चुकी है, लेकिन कहीं पर भी अगर इसकी शॉर्टेज है तो मैं अधिकारियों की मीटिंग लेकर उसको जरूर दूर करवाएंगे। ललितपुर के जखलौन थाना प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात प्रमोद कुमार दुबे का सुबह देगती रुकने से मौत हो गई। मौत के बाद प्रमोद कुमार दुबे का पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को रिजर्व पुलिस लाइन में लगाया गया, जहां पर मृतक एसएचओ के शव को पुलिस अधीक्षक ललितपुर निखिल पाठक द्वारा शोक सलामी और मृतक निरीक्षक को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता देवेंद्र सिंह बिज ने प्राइवेट विद्यालयों में निजी पब्लिकेशन की किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर किए जाने के संबंध में उत्तराखंड शिक्षा सचिव से मुलाकात की। जुगल किशोर पूर्व सांसद एवं प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय दल पंचायत प्रतिनिधि महासंघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। MIT कॉलेज कैंपस में छात्र की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। आधे दर्जन साथी छात्रों ने ही छात्र की हत्या की। कैंपस कॉलेज में छात्र की हत्या के बाद हड़कंप। छात्रों के दो गुटों में गाली गलौज को लेकर छात्र की चाकू से कूदकर हत्या की गई थी। मुरादाबाद के थाना भोजपुर इलाके के रानी नगला गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब पिता पुत्र ने युवती को प्रेमी के घर में घुसकर चाकू और कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पीलीभीत में प्रेमिका के परिजनों और पुलिस से परेशान होकर प्रेमी युवक ने जहर का खाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना जहानाबाद इलाके की। पीलीभीत के समस्त थानों की महिला बीट पुलिस अधिकारी पुलिस टीमों द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण हेतु विभिन्न कानून जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट, लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, तीन तलाक कानून, धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में जागरूक किया गया। इसमें महिला सुरक्षा हेतु विशेष दल का गठन किया गया है। इसमें प्रत्येक थाने में एक एक दल बनाया गया है जो कि ये महिलाओं को जाकर जागरूक करते हैं। एक सभी गांव में जा रहे हैं उनको, महिलाओं को बच्चियों को जागरूक करना, उनके 190-181-1098 उनके बारे में 1090 के बारे में बताना। इसके अलावा महिला बीट पुलिस अधिकारी का भी गठन किया जा चुका है। इसमें 253 जनपद में महिला मिशन शक्ति कक्ष बनाए गए हैं जो कि पंचायत भवन में महिला बीट पुलिस अधिकारी और मिशन शक्ति कक्ष में जा करके महिलाओं से मीटिंग करके जो आशा बहुएं हैं जो वहाँ के लोकल की महिलाएं हैं गाँव की महिलाएं हैं। और जनपद में वन विभाग के बुरे हाल सामने दिखाई दे रहे हैं, जहां जंगलों में आग लग रही है और वन महकमा चैन की नींद सोया हुआ है। ताजा मामला मुकेश्वर विधानसभा के बिरमोली खाल इलाके का, जहां आग इतनी भयावह थी कि जंगल में लगी आग सड़क पर आ धुंकी गई।